जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में वीरवार को एक दर्दनाक हादसे में एक मां सहित 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जिला पुंछ के सुरनकोट के चंदीमढ़ गांव की रहने वाली 40 वर्षीय हमीदा बेगम अपने घर पर चूल्हे पर खाना बना रही थी कि अचानक LPG सिलेंडर में गैस का रिसाव होने में उसमें आग लग गई। गैस का रिसाव होने पर पूरे घर में आग फैल गई। इससे पहले घर में मौजूद लोग संभल पाते, एक जोरदार विस्फोट हुआ और उसकी चपेट में आने से हमीदा बेगम और उसके 4 वर्षीय बेटे आग की मोहम्मद बुरी तरह से झुलस गए और इससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग बचाव अभियान में शामिल हो गए। आसपास रहने वाले लोग आग बुझाने के लिए पानी फेंकने लगे, लेकिन तब तक LPG सिलेंडर के विस्फोट से पूरा मकान जल चुका था। इस हादसे के समय घर में मौजूद 3 अन्य लोग, जिसमें मृतक हमीदा बेगम का पति और उसके 2 अन्य बच्चे सुरक्षित बच निकले। LPG सिलेंडर का विस्फोट इतना तीव्र था कि इसकी चपेट में आने से घर से बाहर बांधे गए 12 मवेशियों की भी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्दर्न न्यूज, जम्मू। ओ शमी, Oh, my God.